अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक हाउस में शामदीद कहते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और आज हम रिव्यू लेके हैं पहल की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का, जिसका मॉडल नंबर है 1050T। और आज की वीडियो में स्पॉन्सर किया क्रोम इलेक्ट्रॉनिक्स की त्रामरी ब्रांच ने। अगर आप कोई भी चीज परचेज करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर और एड्रेस मिल जाएगा, आप जाके परचेज कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जिन्होंने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा कि आपको आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रही मेरे पास जो एप्पल की वॉशिंग मशीन, जो कि डबल टप में आती है। जो वॉशर है इसका वो 10 kg का और जो स्पिनर है इसका जो है 7 kg का। अब इसकी बॉडी की बात करते हैं। कंप्लीट बॉडी इसकी जो है प्लास्टिक एयर ड्रायर पे आप देख सकते हैं, आपको जो है बहुत ही प्यारा लिखा हुआ मिल जाता है एयर ड्राई। इसका जो है डिजाइन भी और अच्छा भी लगता है ये। और राइट साइड पे आप देख सकते हैं वो भी आपको प्लास्टिक मिल जाता है, वो जो है एक ड्रेन पाइप मिल जाता है और साथ जो है हैंग करने के लिए एक जो है हुक आपको मिल जाती है। बैक साइड पे आपको जो है काफी कुछ देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको जो है एक स्टिकर मिल जाता है, जिसके ऊपर इसका जो है इलेक्ट्रिक शॉक जो है टेस्ट हुआ होता है, उसका जो आपको टेस्ट का स्टिकर मिल जाता है। क्वालिटी पास का स्टिकर आपको मिल जाता है। बारकोड स्कैनर मिल जाता है और उसके साथ ही आपको जो है एक स्टिकर मिल जाता है, जिसके ऊपर इसका मॉडल नंबर, सीरीज नंबर और जो है इसका बारकोड स्कैनर आपको मिल जाता है। इसके साथ आपको जो है एक और स्टिकर मिल जाता है, जिसके ऊपर जो है सर्किट डायग्राम आपको मिल जाती है और इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ मिल जाता है और उसके नीचे जो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिखा हुआ आपको जो है मिल जाता है। और जो है आपको काफी हैवी ड्यूटी जो है 2-pin शो मिल जाता है उसको होल्ड करने के लिए। बैक साइड पे आपको जो काफी ज्यादा एक्सटेंशन जैसे होल्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। और ये थी इसकी बैक साइड। आपको जो है लेफ्ट साइड पे लेके चले आपको एक हुक मिल जाती है और एक आपको जो है इसको होल्ड करने के लिए या मशीन को कहीं उठा के लेके जाना हो तो आपको जो है उसके लिए सपोर्ट मिल जाती है। और बिल्कुल फ्रंट वाली साइड पे आपको एक स्टिकर मिल जाता है, जिसके ऊपर इसके कुछ फीचर्स वगैरह लिखे होते हैं। फिट वॉश के बाद आपको जो है बिग पोटेंशियल मिल जाती है। ऑटो गियर जो है चेंजर, मतलब कि गियर चेंज खुद कर लेती है टेक्नोलॉजी इसके पास है। इसकी बॉडी आपको जो है एंटी रश बॉडी मिल जाती है और जो है इसकी बॉडी ऐसी होती है कि चूहा इसको जो है कट या जो है इसको तोड़ के अंदर नहीं जा सकेगा। और अब बात करते हैं इसके ऊपर वाले पैनल की। सबसे पहले बात करेंगे, आपको जो है पैल का लोगो मिल जाता है और उसके नीचे आपको जो है इसका मॉडल PWM1050T मिल जाता है और वो जो है वाटर इनर मिल जाता है इसकी लेफ्ट साइड पे। और अब बात करते हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के कंट्रोल्स की। सबसे पहले एक बात करेंगे वॉशर टाइमर कंट्रोल की, जो कि आपको जो है इसके अंदर 1 से लेके जो है मतलब कि 1 to 15 मिनट्स का जो है आपको टाइमर मिल जाता है। इससे अगले कंट्रोल की बात की जाए, वॉशर सिलेक्टर आपको मिल जाता है। इसके अंदर सबसे पहले आपको जो है ड्रेन का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद आपको जो है जनरल ऑप्शन मिल जाता है। आपको जो है इसके अंदर 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, जनरल, स्ट्रॉन्ग और ड्रेन का। और लास्ट में आपको एक कंट्रोल मिल जाता है, जो कि स्पिनर टाइमर आपको मिल जाता है। 1 to 5 मिनट्स तक तो आपको जो है स्पिनर टाइमर मिल जाता है। ये आपकी मर्जी है कि आप कितनी देर इसको कपड़ों को जो है स्पिन करना चाहते हैं। और इसके अंदर जो है आपको एक बजल मिल जाती है, जो कि टाइम पूरा होने पर जो है बजल बजा देगी। और आपको साथ ही जो है वाटर इनर मिल जाता है स्पिनर के लिए। और अब बात करते हैं वॉशर के अंदर जो है आपको कितना वॉल्यूम मिल जाता है। इसकी अगर मैं आपको केजी के हिसाब से बताऊँ तो इसके अंदर जो वॉल्यूम आपको मिल जाता है 10 kg का वॉल्यूम आपको जो है वॉशर के अंदर मिल जाता है। और इसका ढकना जो है इसके साथ बिल्कुल फिक्स होता है। अक्सर जो है मशीनों का ढकना जो है अलग हो जाता है। और इसके साथ आपको जो है एक जो है वाटर इनर के लिए पाइप मिल जाता है, जो कि आप अपने वाटर इनर पे लगाएंगे, जो वॉशर का हो या स्पिनर का हो, कहीं भी आप लगाना चाहते हैं तो इसको लगा देंगे। इसका जो है दूसरा हिस्सा आप जो है टूटी या पाइप या किसी भी पानी जहां से आपको जो है इसके अंदर डालना पड़े, इसका यह फायदा होता है आपको बाल्टी या किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं करना। और इसके अंदर आपको जो है कुछ पेपर वर्क मिल जाता है, जिसके ऊपर कस्टमर केयर का नंबर मिल जाता है, जो कि आपको होम सर्विस प्रोवाइड करता है। वारंटी कार्ड मिल जाता है, जिसके अंदर आपको जो है 2 years की जो है इसकी जो है मोटर की वारंटी दी जाती है। और अब बात करते हैं फिल्टर्स की, जो इसके अंदर जो है फिल्टर लगे होते हैं डस्ट से बचने के लिए, जो इन्होंने फिल्टर अंदर लगाए होते हैं। इसको आप जो है इजीली अगर ये फिल हो जाए या इसके अंदर ज्यादा डस्ट हो जाए, इसको आप जो है निकाल के साफ भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको जो है वाटर लेवल मिल जाता है, हाई, मीडियम और लो जो है इसका वाटर लेवल मिल जाता है, जिसके लिहाज से जो है अपना पानी आप जो है लेवल कर सकते हैं। और नीचे वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, मोटर काफी ज्यादा हैवी लगी हुई है, इसको मैं हिला भी नहीं सकता। इससे पता लगता है कि जो है मोटर इसके अंदर काफी ज्यादा हैवी लगी हुई है। और अब बात करते हैं इसके जो है स्पिनर वाले सेक्शन की। स्पिनर वाला सेक्शन आप देख सकते हैं, आपको जो है बहुत ही प्यारा बाहर जो है एयर ड्रायर लिखा हुआ मिल जाता है। और इसको खोलते साथ ही आप देख सकते हैं आपको जो है इसके अंदर जो है सेफ्टी कैप मिल जाती है, जो कि स्पिनर वाले सेक्शन को जो है बिल्कुल बंद रखती है, इसके अंदर कोई भी चीज ना डाले। और सबसे पहले इसको खोलते साथ ही आप देख सकते हैं आपको जो है कपड़ों को लेवल करने के लिए जो है कैप मिल जाती है। और आपको जो है मजीद इसके
के अंदर लेके चलूँ, आप इसकी जो है बिल्ड क्वालिटी चेक कर सकते हैं और स्पिनर का वॉल्यूम भी देख सकते हैं, ये आपको जो है 7 kg के अंदर मिल जाती है। और स्पिनर में जो है आपको काफी सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है, इसी वजह से कंपनी जो है इसको जो है ऑटोमेटिक बनाती है। जब तक आप जो है इसका ढकना बिल्कुल बंद नहीं करेंगे स्पिनर ऑन नहीं होगा, क्योंकि स्पिनर जो है जब चलता है काफी स्पीड के साथ चलता है, इसी वजह से इसकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है। और ये था हमारा पहल की वॉशिंग मशीन का रिव्यू। अगर इसकी प्राइस की बात कीजिए, इसकी प्राइस है 22,000 ओनली। अगर आप परचेज करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर और एड्रेस मिल जाएगा, आप कॉल करके ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।